हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर पाठशाला बाई कुमार। आज के इस वीडियो में मैं जो टॉपिक कवर करने वाला हूं वो है वेटनरी साइंसेस को लेकर के। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें एमबीबीएस के अलावा और क्या क्या करियर ऑप्शन हो सकते हैं उसके बारे में मैंने डिस्कस किया था। उसमें से कई सारे टॉपिक्स थे जिसमें फर्स्ट नंबर जो मैंने दिया था वेटनरी का दिया था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग वेटनरी के बारे में समझेंगे। तो वेटनरी को समझने के लिए हमने इसको चार भाग में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट जो होगा वो यह होगा कि स्कोप ऑफ वेटनरी साइंसेस इन इंडिया, मतलब वेटनरी क्यों ले, वेटनरी डॉक्टर्स में आप लोग क्यों अप्लाई करें, पहला तो हम ये समझेंगे। सेकंड, हाउ टू अप्लाई इन वेटनरी कॉलेजेस इन इंडिया, वेटनरी कॉलेज में अप्लाई करने का पूरा प्रोसीजर हम लोग समझेंगे। तीसरा कि इसमें स्कोप क्या है, मतलब कौन कौन से फील्ड में जॉब है और जो जॉब प्रोफाइल है वो वेटनरी डॉक्टर के अंदर में क्या क्या मिलने वाली है। और जो फोर्थ समझेंगे, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है आपके लिए, वो है आपकी सैलरी और अर्निंग्स इसमें आपकी कितनी हो सकती है। तो आइए एक एक करके हम लोग इस चारों पॉइंट को समझते हैं। तो फर्स्ट क्राइटेरिया तो ये है कि आपका अफेक्शन जो है या जो इंक्लिनेशन है वो एनिमल्स की तरफ कितना है, वो आपके इस करियर को डिसाइड करेगा। क्योंकि जब तक आपके अंदर में वो इंटरेस्ट नहीं होगा तब तक आप इस पर एज ए करियर बाय हार्ट एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो आप ये एक क्राइटेरिया है जहां आप अपने आप को चेक कर सकते हो कि आप इसके लिए बेस्ट फिटेड हो या नहीं हो। दूसरा, अब इसके बारे में बात करते हैं कि इसकी डिमांड कैसी है। डिमांड के बारे में अगर आप बात करें तो इंडिया जो है ह्यूमन पॉपुलेशन में वी आर सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड और एनिमल पॉपुलेशन में वी रैंक फर्स्ट इन द वर्ल्ड। तो एनिमल पॉपुलेशन को जितनी यहां पर डिमांड बढ़ी है पिछले 15-20 सालों में, या जिस तरीके से लोगों का अफेक्शन पेट के तरफ या एनिमल्स के तरफ बढ़ा है, उसको देख करके वेटनरी डॉक्टर्स की डिमांड हर रिसर्च सेंटर में या हर सेक्टर के अंदर में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अगर देखा जाए तो आज के प्रेजेंट सिनेरियो में इंडिया में वेटनरी डॉक्टर्स की शॉर्टेज है। जितनी रिक्वायरमेंट, जितने लार्ज स्केल में वेटनरी डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट है उतने डॉक्टर्स इंडिया में है ही नहीं। तो इसीलिए इसके डिमांड डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में काफी बढ़ चुके हैं। वेटनरी साइंसेस में आज के डेट में अगर आप जब देखेंगे तो स्काई इज द लिमिट वाली बात है। अगर आपके अंदर एक अच्छा स्किल सेट है और आप अपने आप को एक अच्छे डॉक्टर्स के रूप में एस्टैब्लिश कर लेते हो तो इसमें कोई लिमिटेशंस वाली बात नहीं है। इंडिया के अंदर में भी जो पेट लवर्स है, खास करके अर्बन मतलब टाउनशिप इलाके में, वो काफी तेजी से जो है वो डेवलप कर रहा है। हर साल 20% से इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। आज के डेट में आपने देखा होगा कि कई सारे डिपार्टमेंटल स्टोर्स जहां पर आप हाउस होल्ड नेसेसरी आइटम्स खरीदने के लिए जाते हो, वहां पर एक एनिमल कॉर्नर भी होता है जहां पर एनिमल जो डोमेस्टिक पेट्स होते हैं या किसी भी तरह का जो आपका एनिमल्स है उससे रिलेटेड भी आप वहां पर सामान जाकर के परचेज कर सकते हो। तो वो डिमांड वहां से इसलिए बढ़ी है क्योंकि जो पेट लवर्स है या फिर जो एनिमल्स की जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसमें गवर्नमेंट का भी कई सारा प्लान है। गवर्नमेंट के भी जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स है, जो वेटनरी साइंस है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर, इंडियन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर में आता है। और जो कई सारी एनजीओ हैं आज के डेट में जो एनिमल वेलफेयर के लिए काम कर रही हैं, तो उन सबके प्रयास से भी आज के डेट में काफी ज्यादा वेटनरी डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। एक तो ये हो गया। दूसरा, डेयरी इंडस्ट्री हो गया या कैटल ब्रीडिंग इंडस्ट्री, किस तरह की इंडस्ट्री है। तो अगर डेयरी इंडस्ट्री की अगर आप देखें, आज से 20 साल पहले आप बात कर लो डेयरी इंडस्ट्री की और आज बात कर लो डेयरी इंडस्ट्री की, आज बड़ी बड़ी कंपनियां डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर में अपना बिजनेस लगाने को तैयार है। बड़े बड़े प्लांट पतंजलि डेयरी इंडस्ट्री लेकर के आ रही है। अमूल पहले से इस सेगमेंट में है। हिंदुस्तान लीवर भी अपने आप को जो है डेयरी प्रोडक्ट्स के बीच में लेकर के आना चाह रही है। बड़े कंपनियों के आने से जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, और ये डेयरी प्रोडक्ट्स हर साल 30% से ग्रो कर रहा है, तो जितना डेयरी प्रोडक्ट्स ग्रो करेगा उतना ज्यादा वेटनरी डॉक्टर्स की डिमांड इंडिया में बढ़ती चली जाएगी। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि क्यों वेटनरी एज ए प्रोफेशन आपको करियर चूज करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर में स्कोप का कोई लिमिटेशंस नहीं है। जैसे एमबीबीएस के अंदर में स्कोप का कोई भी लिमिटेशंस नहीं है, उसी तरीके से वेटनरी के अंदर में भी स्कोप का कोई लिमिटेशन नहीं है। सिर्फ एक ही लिमिटेशन है इसके अंदर में, वो है आपके सोच का। अगर आप यह सोचते हो कि आप जानवरों के डॉक्टर हो, बस यही एक रुकावट है जो आपको स्टॉप करती है वेटनरी साइंस में जाने के लिए। लेकिन अगर आप इस बात को नहीं मानते हो, आप अगर मानते हो कि जो सर्व करना है, अगर आपको एक अच्छा डॉक्टर बनना है, चाहे आप जानवरों के बन जाओ चाहे आप ह्यूमंस के बन जाओ, अगर आप इस टेंडेंसी से अगर इस प्रोफेशन को चूज करते हो तो आपके ग्रो करने का कोई लिमिटेशन इस प्रोफेशन के अंदर भी नहीं है। तो मैं इसको एक बहुत अच्छा प्रोफेशनल करियर मानता हूं।
अगर आपका एमबीबीएस में सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आप वेटनरी एज ए प्रोफेशन या करियर अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। अब सेकेंड जो है वो है हाउ टू अप्लाई। अब हाउ टू अप्लाई ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप वेटनरी डॉक्टर्स के लिए या वेटनरी में एडमिशन लेने के लिए कॉलेजों में कैसे अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए भी आपका बिल्कुल एज यूजुअल सेम वैसा ही प्रोसेस है जैसे आपने एमबीबीएस में नीट के थ्रू अप्लाई किया था। यहां भी 15% ऑल इंडिया कोटा है और 85% स्टेट कोटा है। ऑल इंडिया 15% कोटे के थ्रू आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं जिसकी काउंसलिंग वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया कंडक्ट करता है। aipvt.vcc.nic.in के साइट पर जाकर के आपको सेप्टेम्बर के फर्स्ट वीक में रजिस्ट्रेशन कराना होता है क्योंकि उसी वक्त जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो वेटनरी का 15% कोटे का ओपन होता है। फर्स्ट और सेकेंड वीक में आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं, थर्ड वीक में आपकी काउंसलिंग च्वाइस लॉक करनी होती है और फोर्थ वीक में आपको अलॉटमेंट और रिपोर्टिंग टू द कॉलेजेज होता है। मिड ऑफ द अक्टूबर से लगभग क्लासेस इसकी स्टार्ट हो जाती है। जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स वेटनरी के इंडिया में है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2735 सीट्स के आसपास है। अब 2735 सीट्स में जो 15% कंडक्ट होता है वो 434 सीट्स के लिए होता है ऑल इंडिया पे। बाकी जो 2300 सीट्स होंगी वो स्टेट अपने अपने लेवल पर कंडक्ट करेगी। तो आपको जून के बाद से अपने स्टेट में चेक करना होगा कि वहां पर वेटनरी का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑन है या नहीं। आप गूगल पर जाएंगे, अपने स्टेट का लिंक खोलकर देखेंगे वेटनरी का रजिस्ट्रेशन का, तो वो आपको लिंक वहां पर मिल जाएगा। तो इसी तरीके से 15% और 85% का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वेटनरी के लिए होगा और सारा प्रक्रिया एज यूजुअल एमबीबीएस की तरह ही इसमें चलता है। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इस कोर्स के लिए वो 50% पीसीबी है। अगर आपका 50% पीसीबी है तो आप इस कैटेगरी के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। एससी एसटी और ओबीसी के लिए अगेन 5% का रिलैक्सेशन है इस कोटे के अंदर भी, और ऑल इंडिया 15% कोटे और स्टेट कोटे के अंदर में जो भी सीट का अलॉटमेंट होगा वहां भी रिजर्वेशन की जो स्कीम है एससी एसटी और ओबीसी की 15% 7.5% और 27% का वो फॉलो होता है। एससी के लिए जो आपका 15% का, एसटी के लिए 7.5% का और ओबीसी के लिए जिसमें क्रीमी लेयर आउट है उसके लिए 27% की रिजर्वेशन पॉलिसी यहाँ पे फॉलो होती है और 5% फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चों के लिए भी यहाँ पर रिजर्व सीट होता है। दूसरा जो कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो 4.5 ईयर्स का होता है और 6 मंथ का इंटर्नशिप होता है। तो ऑल टुगेदर ये 5 ईयर्स का आपका कोर्स होता है। जो एवरेज फीस होती है कॉलेजों की वो 3000 से लेकर के तकरीबन 30,000 to 35,000 के आसपास फीस है गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसमें जो फीस होगी वो 1.5 लाख से लेकर के 2 लाख तक हो सकती है। तो आप अगर आपका प्राइवेट कॉलेज अगर आपको मिलता है तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली कम से कम 8 से 12 लाख के आसपास का बजट होना चाहिए। कोर्स एंड ड्यूरेशन की अगर बात करें तो जो कोर्स है इसमें दो तरह के कोर्सेस है। एक 2 ईयर्स का डिप्लोमा कोर्स है जिसमें डिफरेंट स्पेशलाइजेशन के थ्रू आप 2 ईयर्स का डिप्लोमा कर सकते हो। डिप्लोमा वाले कोर्सेस में आपको डॉक्टर की उपाधि नहीं मिलती है और जो 4.5 ईयर्स और प्लस 6 मंथ का जो इंटर्नशिप प्रोग्राम आप करते हो अंडर ग्रेजुएट लेवल पर उसमें आपको डॉक्टर एज ए सर्टिफाइड दिया जाता है। तो आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं। इसके अंदर में 8 सेमेस्टर्स होते हैं, बाकी 8 सेमेस्टर के अंदर में पढ़ाई होती है। जो फाइनल सेमेस्टर होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है वेटनरी में जनरली, जिसको एंटरप्रेन्योर ट्रेनिंग प्रोग्राम कहते हैं। इस एंटरप्रेन्योर ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर में जो कॉलेज है आपको ग्रुप बना दिया जाता है और जो कॉलेज है आपको मैक्सिमम 3 लाख रुपीज तक का फंड देता है और उसके अंदर में डिफरेंट कैटेगरी होती है। जैसे कैटल होता है, सीप, कैटल के अंदर में जैसे सीप हो गई, आपका पिग फार्मिंग हो गया, पोल्ट्री फार्मिंग हो गया, ब्रॉयलर फार्मिंग हो गया, या इस तरह के जितने भी करीब 16 स्पेशलाइजेशन है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेशलाइजेशन है, उसके अंदर में आपको बिजनेस करने के लिए 3 लाख रुपए तक की फंडिंग करी जाती है। अगर उस केसेस में आपका एक पूरा डिपार्टमेंट सेट किया जाता है टीचर्स के रूप में और वहां पर चेक किया जाता है कि आप मतलब उस बिजनेस में आपने एंटरप्रेन्योरशिप में किस तरीके से ग्रो कर रहे हो, अगर लॉस कर रहे हो तो और वो लगता है कि वो जेन्युइन लॉस है तो अगर कॉलेज उसको उस लॉसेस को फिर से कंपनसेट करती है आपको और आपको फुल सपोर्ट दिया जाता है, सिस्टम दिया जाता है उस बिजनेस को ग्रो करने के लिए। इसको अगर आप इसको फुल्ली कंप्लीट कर लेते हो तो फिर आपको एक डिग्री भी दी जाती है जो आपका वो एडिशनल डिग्री इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है।
जो थर्ड है वो स्कोप एंड जॉब प्रोफाइल। अब स्कोप और जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे कि वेटनरी आपका कंप्लीट हो जाने के बाद, उसकी डिग्री मिल जाने के बाद कौन कौन सा सेक्टर या एरिया है जहां आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वैसे कुछ लिस्ट मैंने बना रखी है, वो लिस्ट देख करके मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो आप जो है वो एनसीसी के अंदर में, इंडियन आर्मी के अंदर में भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इंडियन आर्मी के अंदर में जो एनिमल्स रखे जाते हैं फॉर सिक्योरिटी रीजंस, वहां भी उनकी वेटनरी की डिपार्टमेंट वालों की वेटनरी की डिमांड होती है। जो सेकंड है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जितने भी इंडिया के अंदर में रिजर्व सेंचुरीज बनाए जाते हैं वहां पर वेटनरी डॉक्टर्स की डिमांड होती है। आपका थर्ड है जो बोटानिकल गार्डन्स हैं या फिर जो जू है ऑल ओवर इंडिया में, वहां पर जितने भी जानवर होते हैं जू के अंदर में, उसके लिए वेटनरी डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट है। जितने प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एस्टैब्लिश्ड हैं पूरे इंडिया के अंदर में, वहां पर वेटनरी डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट है। जितने डेयरी इंडस्ट्री प्लांट हैं या जितने भी डेयरी फार्मिंग्स वगैरह चल रही है जहां पर भी पूरे इंडिया के अंदर में, उन सब जगह पर वेटनरी डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट है। जितने भी लोग आप एज ए वेटनरी कंसल्टेंट के रूप में भी यहां पर अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि कई सारे आजकल शहरों में पेट लवर्स हो गए हैं, तो पेट लवर्स वो क्या करते हैं कि जो वेटनरी डॉक्टर्स होते हैं उनसे उनको अपना कंसल्टेंट फीस होती है पर ईयर के हिसाब से, वो उनको पे करते हैं और आप उनके थ्रू भी, मतलब कि वहां पर आप कई सारे लोगों को मिला करके एज ए वेटनरी कंसल्टेंट का रूप में भी आप ज्वाइन कर सकते हो। एनजीओ वर्किंग फॉर वेलफेयर ऑफ एनिमल्स में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कई सारे ऑर्गेनाइजेशन इस तरह के, जैसे WWF और पेटा, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर लार्ज स्केल में वेटनरी डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। ब्रीडिंग फार्म्स के अंदर में आपकी रिक्वायरमेंट होती है। फॉरेस्ट लाइफ, जो बड़े बड़े फॉरेस्ट होते हैं जो रिजर्व कर दिए जाते हैं, वहां पर वेटनरी डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जहां पर आप सफारी के लिए जाते हो या फिर कोई घूमने के लिए जाते हैं। जैसे गुजरात का जंगल है, जैसे गिर फॉरेस्ट वगैरह है, वहां पर कई सारे वेटनरी डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। बीएसएफ और पुलिस के अंदर में भी जो एनिमल्स रखे जाते हैं फॉर द सिक्योरिटी कंसर्न रीजंस, उसके अंदर में भी इसकी एक अलग वैकेंसी आती है, वहां भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है हर स्टेट के अंदर में, वहां वैकेंसी आती है, वहां गवर्नमेंट सेक्टर है, वहां आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर में जितने भी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री हैं स्टेट लेवल पर भी और सेंट्रल लेवल पर भी, वहां भी जो है इसकी वैकेंसी आती है वेटनरी डॉक्टर्स की। मीट प्रोसेसिंग प्लांट्स के अंदर भी आज के डेट में भी बहुत डिमांड है। जैसे कई सारी आज के डेट में कंपनियां हैं जो प्रोसेस्ड फूड मीट के रूप में, चिकन के लेग पीसेस वगैरह के रूप में, इस तरह के मतलब कि मार्केट में सप्लाई होते हैं रेडीमेड फूड्स, तो उसके अंदर में भी जो कंपनियां हैं वो वेटनरी डॉक्टर्स को हायर करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि स्काई इज द लिमिट, इतना ज्यादा स्कोप है इसके अंदर में और इतना ज्यादा डिपार्टमेंट रिसर्च सेक्टर है उसके अंदर में भी आप जा सकते हो। लेक्चरर आप एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर आप किसी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के अंदर में अप्लाई कर सकते हो। तो आपका जो स्कोप है वो अनलिमिटेड है, जैसे एमबीबीएस डॉक्टर का स्कोप अनलिमिटेड है, उसी तरीके से आपका भी स्कोप अनलिमिटेड है और ग्रोइंग सेक्टर है। जिस तरीके से जैसे जैसे डेवलपमेंट आता चला जाएगा या जैसे जैसे नेशन डेवलप होता चला जाएगा, वैसे वैसे इस सेक्टर के अंदर में और ज्यादा डिमांड आने वाली है। तो एज ए करियर ऑप्शन ये काफी अच्छा है और आपको इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। वेटनरी मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाने वाली कंपनियां हैं, उसके अंदर में भी वेटनरी डॉक्टर्स की काफी ज्यादा डिमांड है। तो डिमांड की कमी नहीं है, बस आपको अपना मन लगा करके इस सेक्टर में काम करना होता है, रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। अब बात करते हैं अब्रॉड में। अब्रॉड में अगर डिमांड को देखें वेटनरी डॉक्टर की, तो जितनी इंडिया में डिमांड है उससे 3 times ज्यादा वहां अब्रॉड में डिमांड है। अब्रॉड में एनिमल्स को ह्यूमन से कम ट्रीट नहीं किया जाता। कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया। न्यूजीलैंड आज के डेट में डेयरी इंडस्ट्री के रूप में काफी फ्लरिश कर रहा है और सबसे ज्यादा अगर वेटनरी डॉक्टर्स की वहां पर आज के डेट में तो वही डिमांड है। वहां तो 15 से लेकर 25 लाख के पैकेज पे वेटनरी डॉक्टर्स की हायरिंग हो रही है पर ईयर पे। तो अब्रॉड के यूरोपियन कंट्रीज के अंदर अगर आप चले जाते हैं तो वहां पर रिसर्च सेंटर के अंदर में असिस्टेंट प्रोफेसर पे काफी अच्छे पैकेजेस वगैरह मिलते हैं। ये थोड़ा सा आपको जब बाहर जाते हैं तो कुछ एडिशनल सर्टिफिकेट्स की आपको रिक्वायरमेंट होती है, तो वो आप कहीं से कर लेते हैं तो वो आपको मिल जाता है और उसमें आपको बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होती है। तो इंडिया एज वेल एज अब्रॉड वेटनरी डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट बिल्कुल वैसे ही है जैसे इंडियन डॉक्टर्स की, इंडियन एमबीबीएस डॉक्टर्स की इंडिया एज वेल एज अब्रॉड के अंदर में है। अब बात करते हैं जॉब प्रोफाइल की, कि इसके अंदर में जो आपका जॉब का प्रोफाइल है वो किस लेवल का बनता है।
तो जॉब प्रोफाइल के अंदर में जो आपको जो इसमें मिलता है वो आपका एज ए लेक्चरर अगर आप कहीं पर अप्लाई कर सकते हो, एज ए वेटनरी कंसल्टेंट आप कहीं पर अप्लाई कर सकते हो, बायोलॉजिकल साइंटिस्ट या फार्मा इंडस्ट्री के अंदर में आप की डिमांड है तो आप बायोलॉजिकल साइंटिस्ट एज ए फार्मा इंडस्ट्री के अंदर में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। प्राइवेट प्रैक्टिस तो आप कर ही सकते हैं, आप कहीं पर क्लिनिक भी ज्वाइन कर सकते हो और अपना खुद का प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हो। वेटनरी डॉक्टर आप एज ए मेडिसिन ज्वाइन कर सकते हैं और वेटनरी डॉक्टर एज ए सर्जन भी आप जो है कहीं पर जॉब कर सकते हैं। एनिमल फार्म्स के अंदर में जो बड़े बड़े एनिमल फार्म्स होते हैं, जो डेयरी फार्म्स होते हैं, उसके अंदर में आप एज ए मैनेजर ज्वाइन कर सकते हैं और साइंटिफिक मैनेजर बहुत बहुत रिसर्च सेंटर होते हैं, बड़े बड़े रिसर्च सेंटर होते हैं, उसके अंदर में आप एज ए साइंटिफिक मैनेजर ज्वाइन कर सकते हैं। तो और भी कई सारे सेगमेंट्स और जॉब प्रोफाइल हैं जिसके अंदर में आपको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी इसके अंदर में आपको मिलता है, बहुत ही रिस्पेक्टेबल जॉब। अब जो लास्ट और फोर्थ है वो है जॉब सैलरी, जो आप सबका जो है वो अट्रैक्शन पॉइंट है। तो मैं बता दूं कि जो जूनियर डॉक्टर होते हैं उनको 30 से लेकर के 45,000 रुपीज के आसपास स्टार्टिंग सैलरी बनती है। जो सीनियर डॉक्टर होते हैं उनका 80 से लेकर के 1.5 लाख के बीच की सैलरी होती है। और अगर आपके पास अपना खुद का क्लिनिक सेटअप है और 5 से 6, 7, 8 साल का अगर एक्सपीरियंस है तो आप इसके अंदर में 3 से लेकर के 5 लाख से 6 लाख रुपए पर महीने अर्न कर सकते हो। तो अर्निंग का कोई लिमिटेशन इसके अंदर में नहीं है, ये डिपेंड करता है कि आपकी कैपेबिलिटी कितनी अच्छी है और आप कितने स्किल्ड हो और कितना अच्छा सर्व करते हो। तो आपको अर्निंग को लेकर के इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। अगर आपका एमबीबीएस में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है तो आप वेटनरी के रूप में जा सकते हैं, लेकिन अगर आपका वेटनरी भी फर्स्ट च्वाइस है तो भी आप वेटनरी के रूप में जा सकते हैं, लो फीस है और लो मार्क्स पर आपको उम्मीद है यह मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो जो था वो वेटनरी साइंसेस के ऊपर में था। तो अगर आपका एमबीबीएस नहीं हो पाया तो यह करियर ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जो अगला वीडियो मैं लेकर के आऊंगा अदर करियर ऑप्शंस एमबीबीएस के अलावा, वो आयुर्वेद का टॉपिक कवर होगा। आयुर्वेद में भी जितने आयुर्वेद, यूनानी और पीएचएमएस, ये मैं उस टॉपिक के अंदर में कवर करूंगा और उसके भी मैं इसी तरीके से क्लासिफिकेशन करके आपको बताऊंगा उसके स्कोप और डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया। तो फ्रेंड्स इंतजार कीजिए हमारे अगले वीडियो का, और जिन व्यूअर्स ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के द्वारा मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड योर हेल्थ। थैंक यू।